It is unfortunate that it happened, but the entire Jain community felt it's. ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि ये मर्डर हुआ. पूरे जैन समाज ने महसूस किया है कि ये बहुत बुरा हुआ है और सरकार को इस बारे में गंभीरता से प्रयास करने चाहिए. राज्य के गृह विभाग को कदम उठाने चाहिए और ऐसा हमने किया भी है. मैंने इस हत्या पर जैन मुनि से अनशन न करने की अपील की है. मैंने कहा है कि हम यहाँ कानून के तहत आपकी देखभाल करने के लिए हैं. उनकी जैन समाज की तरफ से कुछ मांगें थी, जैन साधुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की. मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम उनको सुरक्षा देंगे. उन्होंने मुझसे कहा है कि मुख्यमंत्री एक जैन मंडल का गठन करें. इसके लिए भी मैंने उनसे कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा. हम इस मामले में सभी जरूरी कदम उठाएंगे. इस मामले में अभी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है. यदि हत्यारे नहीं मिले होते या कुछ और दिक्कतें आई होती तो यह मांग जायज होती. मुझे नहीं लगता अभी सीबीआई जांच की कोई जरूरत है. पुलिस मामले का समाधान करने में सक्षम है. उन्होंने पहले ही दोषियों का पता लगा लिया है. इफ समथिंग हैज हैपेंड व्हिच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, इफ दोस थिंग्स आर देयर देन इट इज ओके, देयर डिमांड इज जस्टिफाइबल, बट आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आवर पुलिस इज कॉम्पिटेंट इनफ, दे हैव ऑलरेडी फाउंड द कल्प्रिट, सो इट इज नॉट नेसेसरी. जैसे बेलगाम जिले में पूज्य श्री काम कुमार नंदी महाराज का जो हत्या हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और शुरुआत में इसको जो इसमें एक्यूज्ड थे उसको उसका नाम भी बाहर नहीं ले आया और लोगों को फोर्सेबली उधर के जो स्थानीय लोग हैं स्थानीय लोगों को स्टेटमेंट देने के लिए कि कुछ उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था तो फाइनेंसिंग करता था ऐसे स्टेटमेंट दिलवाने का भी कोशिश हुआ है. मींस एक तरह ये जो कुछ आर्थिक व्यवहार था आर्थिक व्यवहार से का मर्डर हुआ है इनका मर्डर हुआ है ऐसा एक माहौल क्रिएट करने का भी कोशिश हुआ. इसमें लोगों को शक आया कि तो जो हत्यारे हैं उनको संरक्षण देने का भी काम हो रहा है. मुझे लगता है तुष्टीकरण का राजनीति का एक पराकाष्ठा है और मैं कर्नाटक सरकार जब लोगों से प्रेशर आया जनप्रतिनिधियों से प्रेशर आया तब एक्टिव हुआ है. ये बहुत गलत है और सभी जो जैन साधु संन्यासी है जो पैदल चलते सारे देश विदेश में जो पैदल चलते हैं उन लोगों को पूरा संरक्षण और जब भी वो कहीं से जगह से गुजरते हैं उधर अगर कुछ व्यवस्था उनके धार्मिक स्थल वगैरह नहीं है तो सरकारी बंगलों भी में करने का व्यवस्था करना चाहिए संरक्षण देना चाहिए. इसमें जो हत्या की है तो उनको एकदम खड़ी से खड़ी एक शिक्षा मीन्स पनिशमेंट देना चाहिए.